योग जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। किसी मजहबी चश्मे से योग को नहीं देखा जा सकता। मुंबई में एक मुस्लिम योगा टीचर इसकी नज़ीर पेश कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से वो लोगों को योग सिखा रहे हैं। उनका मानना है कि योग को धर्म के तराजू में तोलना ही नहीं चाहिए। मुंबई का ये न्यू एज योगा सेंटर है जहां लोग योग करने आते हैं। इस योगा सेंटर की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इन लोगों को योग कराने वाले एक मुस्लिम योगा टीचर हैं। लंबी दाढ़ी में टी शर्ट और लोअर पहने जो शख्स आपको योग कराते दिख रहे हैं, उनका नाम मंसूर बलोच है, जो पिछले 5 सालों से योग सिखा रहे हैं। योगा को ये एक स्वस्थ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको किसी मजहब से नहीं देखना चाहिए। मंसूर बलोच रांची में मुस्लिम महिला योगा टीचर राफिया नास के खिलाफ जारी हुए फतवे को सही नहीं मानते। देवबंद हो या बड़े मदरसे हो, उन लोगों ने योगा के खिलाफ तो किसी ने कोई फतवा नहीं दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि जो मौलवी ने फतवा दिया है कि वो मौलवी भी जो है काबिल एतमाद हो या भरोसेमंद हो या लोगों में उनकी कोई पकड़ हो। ये तो बस अपने आप को लैमलाइट करने के लिए लोग कुछ भी फतवा दे देते हैं। मंसूर बलोच के पास आने वाले अलग अलग धर्मों के लोगों की योग और धर्म के बारे में क्या राय है, आप खुद ही सुन लीजिए। मेरे लिए योगा और मजहब का कोई रिलेशन नहीं है। कोई भी पेज किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर का उठाइए, कहीं भी नहीं लिखा कि आप फिट नहीं रह सकते। आई डोंट थिंक उन चीजों को लेकर भगवान नाराज होंगे कि तुम अपनी बॉडी के लिए अच्छा क्यों कर रहे हो। मुस्लिम योगा टीचर राफिया नाज ने योग दिवस पर योग गुरु रामदेव के साथ मंच साझा किया था। इसके बाद उसके खिलाफ फतवा जारी हुआ था और उसे लगातार धमकियां मिल रही थी। शुक्रवार को लोगों ने अचानक उसके घर पर पत्थरबाजी कर दी। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु राफिया नाज के समर्थन में उतर आए हैं। फिलहाल राफिया के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो देखा आपने किस तरह से योग सिखाते नजर आए एक मुस्लिम योग गुरु। ये है ABP News, आपको रखे आगे।